नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें बॉडी का कोई भी बेसिक रिपोर्ट कराना हो तो सबसे पहले हम सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी किस तरह काम करता है? जैसे आपने देखा होगा, अगर आप चावल पकाते हैं तो आप सभी चावल को चेक नहीं करते कि पके या नहीं पके, आप केवल सिंपल एक चावल को चेक करते हैं कि तो आपको अनुमान लग जाता है कि आप सभी चावल पक चुके हैं। उसी तरह से हमारा जो बॉडी के लिए बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होता है वह होता है सीबीसी। हम सबसे पहले अगर हमारे शरीर में कुछ भी एबनॉर्मलिटी लगती है तो हम सबसे पहले सीबीसी करवाते हैं। तो सीबीसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी बॉडी की जो बेसिक फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आपका खुद का सीबीसी हो या फिर आपके आजू बाजू के कोई रिलेटिव होते हैं जो आपके पास सीबीसी का रिपोर्ट लेकर आते हैं, और जब आपको पूछते हैं कि भाई इसमें क्या है बता, तब अगर आपको सीबीसी के बारे में बेसिक डिटेल जानकारी होती हो तो आप आराम से उनको बता सकते हो कि भाई इस तरह की कंडीशन होने की संभावनाएं लग रही है, जिसके लिए आपको फ्यूचर में अगेन इस तरह के रिपोर्ट करवाने चाहिए। तो इन सभी बेसिक वैल्यू के बारे में जानने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले देखो, इक्वेशंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है सीबीसी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो सीबीसी का रिपोर्ट सैंपल जाता है वो कौन सी वायल में जाता है, ईडीटी वायल में जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा गया है। तो मैं राकेश कुमार पटेल, पटेल नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आज आपसे डिस्कशन करने का आया हूँ सीबीसी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट को सीबीसी बोलते हैं, कभी कभी हीमोग्राम बोलते हैं, और उसका शॉर्ट में एचजी के नाम से आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एचजी और एचबी में डिफरेंस है। सीबीसी के अंदर क्या इवेल्युएट करते हैं? हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी भी अलग अलग तरह के होते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। इन सभी के बारे में हम बेसिक डिटेल आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अब बोन मैरो, हमारे पास एक बोन मैरो, तो बोन मैरो का काम ब्लड में कहाँ होता है? तो जानते हैं बोन मैरो का काम, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर प्राइमरली इन द बोन मैरो। मीन्स हमारी जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में, और मैच्योर कहाँ होती है? प्राइमरली बोन मैरो में मैच्योर होती है। देन नेक्स्ट है, अगर डेवलपिंग एम्ब्रियोज है तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है? उस समय तो बोन मैरो डेवलप होती नहीं है, तो उस समय योक सैक होता है, जिसे हम ब्लड आइसलैंड भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा एम्ब्रियो के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देन लिवर, स्प्लीन, इन ऑर्गनों के में डेवलपमेंट होता है। देन हमारा नेक्स्ट बोन मैरो स्टार्ट कर देती है ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करने के। नेक्स्ट बात करते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या, इसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और इनका मेन काम क्या है? जिनके अंदर हर आरबीसी के अंदर चार चार हीमोग्लोबिन कंटेन होते हैं, और उन हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो इनडायरेक्टली आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसके लाइफ स्पान की बात करें हम तो 120 डेज एडल्ट में होती है, 80 डेज फिटस में होती है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी की लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है, ओनली 6 to 20 डेज, 6 से 20 दिन की ही आरबीसी की लाइफ स्पैन रहती है। वह कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया। देन हम बात करेंगे नॉर्मोसाइट्स। अब आरबीसी में सबसे लास्ट की लाइन होती है कि नॉर्मोसाइट, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। तो यह कंडीशन क्या है? नॉर्मोसाइट्स होती है जब आरबीसी यूनिफॉर्म होती है इन साइज एंड शेप। मोस्टली सभी आरबीसी एक सेम तरह की होती है तो उसे हम नॉर्मोसाइट कहेंगे। परंतु अगर छोटी होती है तो माइक्रोसाइटिक कहेंगे, और बड़ी साइज की होती है तो मैक्रोसाइटिक, जो साइज और शेप पे डिपेंड करता है। देन यहाँ पे एक आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू दी गई है जो मैन और वुमेन में अलग होती है, परंतु जो लैब्स होते हैं उनकी भी कुछ वेरिएटेड होती है। सीबीसी एनालिसिस के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उनके वेरिएशन के साथ में आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है, नॉट ओनली आरबीसी, ब्लड सेल्स सभी पूरी सीबीसी की वैल्यूज में थोड़ा बहुत अल्टरेशन होता है, बट ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है सब में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4.633, 6.08 क्यूबिक पर एमएम है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो मैन और वुमन दोनों में अलग है, 4.5 to 5.9 है, एंड वुमन में 4.1 to 5.1। अब बात करते हैं नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक क्या है? हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। अगर यह नॉर्मली एचबी से रिलेटेड है, अगर हमारा एचबी ज़्यादा होगा तो हाइपरक्रोमिक होगा, एंड एचबी कम होगा तो हाइपोक्रोमिक होगा।
और अगर एच बी नॉर्मल रेंज में होगा 13.7 to 17.5 ग्राम पर डीएल तो वो नॉर्मो क्रोमिक होगा। अब आरबीसी के काउंट्स नॉर्मली लो किन किन कंडीशन में होते हैं? तो सबसे पहले तो लो आरबीसी काउंट को हम एनीमिया कहते हैं। देन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लीडिंग, ऑब्वियसली अगर ब्लीडिंग होगा आरबीसी काउंट लो होंगे तो लो आरबीसी काउंट होगा। आरबीसी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी टूटना, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हिमोलाइटिक एनीमिया, ऐसी कंडीशन में आरबीसी ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो आरबीसी के काउंट नॉर्मली कम होंगे। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी, जो आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, जिसके लिए असेंशियल एलिमेंट है आरबीसी का सिंथेसिस के लिए, अगर वही नहीं होगा तो आरबीसी ऑलरेडी कम होगा। देन बात करते हैं बोन मैरो डिसऑर्डर, जो फैक्ट्री है जो बना रहा है वह फैक्ट्री ही डैमेज है तो बनेगी भी नहीं, तो ऑब्वियसली कम होगी, इसलिए बोन मैरो का कोई भी डिसऑर्डर होगा या फिर बोन मैरो डैमेज है, ऐसी कंडीशन में आरबीसी के काउंट कम होंगे। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज, इनमें भी आरबीसी के काउंट कम होंगे। देन बात करते हैं आरबीसी के काउंट ज़्यादा किन किन कंडीशन में होंगे। सबसे पहले जो ज़्यादा होगा उसे तो हम बोलेंगे पोलीसाइथेमिया, पोली यानी एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ वेल भी ज़्यादा होती है तो पोलीसाइथेमिया बोलेंगे। अब सेकंड है डिहाइड्रेशन लंग्स, पल्मोनरी डिजीज। अब यहाँ पे जो डिहाइड्रेशनल लंग्स है इसका यूज क्या है? डिहाइड्रेशनल लंग्स का मतलब होता है जैसे कि लंग्स कभी डिहाइड्रेट नहीं होता, वह ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम डिहाइड्रेशनल लंग्स कहते हैं। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गए? अगर कोई सिगरेट स्मोकर है, जैसे कि हाई एटीट्यूड में रहता है और जिसको ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आरबीसी करता है, तो अगर आरबीसी कम है तो हमारा बॉडी तो ऑलरेडी ऑक्सीजन और भी कम होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, जो ऑक्सीजन की वैल्यू कम है उसको कंपनसेट करने के लिए, अधिक से अधिक ऑक्सीजन बॉडी में ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो सके, इसलिए हम डिहाइड्रेशनल लंग्स कहते हैं। दूसरा किडनी डिजीज एंड ट्यूमर दैट प्रोड्यूस एक्सेसिव एरिथ्रोपोएटिन। अब बात करते हैं एरिथ्रोपोएटिन, ये एक हार्मोन है जो हमारा आरबीसी की प्रोडक्शन में काम करता है, इसलिए अगर यह ज़्यादा है, इसमें ट्यूमर है या किडनी में, जो कि किडनी से रिलीज होता है, तो अगर किडनी में ट्यूमर है तो ऑलरेडी आरबीसी का वैल्यू ज़्यादा होगी। स्मोकिंग, जो भी जिस सीजन कम होगा इसकी वजह से भी आरबीसी बढ़ेगी। लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड, जहाँ हाई एल्टीट्यूड जहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है, ऐसे एरिया में जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का आरबीसी ज़्यादा होती है और एचबी भी उनका ज़्यादा होता है। जेनेटिक कॉज अल्टर्ड ऑक्सीजन सेंसिंग एबनॉर्मल इन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन रिलीजेस, इन सभी कंडीशन में भी आरबीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। पोलीसाइथेमिया वेरा एक रेयर डिजीज है जिसके बारे में हम बात नॉर्मली बाद में बात करेंगे, इसके लिए अलग से हम टॉपिक लेंगे। यह एक कंडीशन है जो कि ब्लड का डिसऑर्डर है जिसके अंदर भी आरबीसी के काउंट ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम एचबी, जिसे एचबी बोलते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 15.7 ग्राम पर डीएल, ये एक यूनिक है, बाकी 13.7 to 17.5 ग्राम पर डीएल होती है। इट्स वेरी करती है अलग अलग, मेन में होती है 14 to 7.5 एंड वुमन में होती है 12.3 to 15.3 ग्राम पर डीएल। इसके यह जैसे कि मैंने पहले बताया वेरी करता है अलग अलग लैब टू लैब। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक हैज़ एन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 1.3 ml O2 पर ग्राम। एक यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है कि एक ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 1.34 ml यह क्वेश्चन कभी एग्जाम में बन सकता है, बना भी है। अब बात नेक्स्ट हिमेटोक्रिट, जी हाँ, इसकी वैल्यू बहुत मायना रखती है, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी जो मैंने एक सैंपल के जरूर लिया था, इसमें भी लो हिमेटोक्रिट है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 50 होती है, बट मेंस में और वुमेंस में पर्टिकुलर देखें तो 41.5 to 50.4 एंड वुमन में है 35.9 to 44.6। इट्स ऑल्सो वेरी बट इक्वली नियर टू नॉर्मल होती है। अब हाई रिजल्ट किस कंडीशन में आता है? मोस्टली डिहाइड्रेशन में हाई रिजल्ट कंडीशन आता है, जैसे कि कंडीशन डिजीज कंडीशन की बात करें तो डेंगू, मोस्ट कॉमनली डेंगू एक कॉमन डिजीज है इंडिया में, और डेंगू के अलावा हॉट वेदर नॉर्मली हमारा जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है, और उन सभी कंडीशन में हीमेटोक्रिट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हीमेटोक्रिट की वैल्यू हाई है, मीन्स
यह होता है कि एक जो आपका एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट सेल्स आरबीसी की वैल्यू कितनी है। अगर आपकी आरबीसी की वैल्यू ज़्यादा है, अगर आपका प्लाज्मा कम है, डिहाइड्रेटेड हो, तो ऑलरेडी फ्लूड वॉल्यूम कम होगा, और फ्लूड वॉल्यूम कम होगा तो उसके अंदर आरबीसी के काउंट्स बढ़ जाएंगे। और अगर आपका फ्लूड वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे कि किडनी डिजीज में होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में एक्सेस फ्लूड रहता है, इस एक्सेस फ्लूड की कंडीशन में हमारा ब्लड सेल्स में कम दिखाई देगी, तो उसमें हीमेटोक्रिट की वैल्यू कम होगी। यह हमें बेसिक है, ध्यान होना चाहिए हीमेटोक्रिट की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीवी। एमसीवी का मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, जैसे कि माइक्रोमीटर स्क्वायर है, इतने वॉल्यूम के अंदर, माना कि 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, इसके अंदर हमारा जो आरबीसी काउंट कितना है, जो ब्लड सेल्स का वॉल्यूम है वह कितना है, स्पेशली आरबीसी, तो उसे हम बोलेंगे मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है 80 to 96 माइक्रोमीटर क्यूबिक। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो एक पर्टिकुलर बॉवल ले ले, एक पर्टिकुलर 100 ml का, 100 ml वॉल्यूम ले ले, 100 ml का ब्लड ले ले, उसके अंदर 100 ml ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स है उनकी कितनी वैल्यू, आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम से वह आरबीसी केवल घिरा हुआ है, उसे हम बोलेंगे एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। लो ऐसी कंडीशन में होगा जहाँ पे आरबीसी छोटी है, स्मालर देन है, स्मालर है, ऐसी कंडीशन में माई और ऑलरेडी हमारा जो वॉल्यूम होगा वह कम होगा, और यह मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से कॉज होता है। दूसरी कंडीशन है थैलेसेमिया। अब हाई वॉल्यूम ऑफ एमसीवी, हाई वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ होगा, जैसे कि हमारे आरबीसी काउंट ज़्यादा है, बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी आरबीसी है, तो ऑलरेडी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा, एमसीवी हाई आएगा। और यह कंडीशन आती है मोस्टली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक यह होता है जिसमें अंदर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, ऐसी कंडीशन में हमारा आरबीसी की साइज होती है वो बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिससे एनीमिया भी कॉज होता है। देन माइलो डिस्प्लेजिया एंड लिवर डिजीज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसी कंडीशन में हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरा होता है एमसीएच। एमसीएच का मतलब मीन्स कार्पर्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन्स एक आरबीसी है, आरबीसी के अंदर कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन है, कितना हीमोग्लोबिन है, उसे हम बोलेंगे मीन्स कार्पर्कुलर वॉल्यूम। जैसे कि 100 ml आरबीसी ले ले, ओनली आरबीसी से उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, तो हम उसे एमसीएच बोलेंगे। इसके नॉर्मल वैल्यू होती है 27.5 to 33.2 पीजी। देन अब इसकी लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम कैसी कंडीशन में होगी, स्मॉल रेड सेल वुड हैव अ लोअर वॉल्यूम। अगर आरबीसी छोटी छोटी है तो उसकी में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी, तो ऑलरेडी लो वॉल्यूम आएगा। दूसरा हाई वैल्यू कहाँ होगा, जहाँ पे मैक्रोसाइटिक आरबीसी, अगर आरबीसी बड़ी है, साइज में बड़ी है, तो उसमें से हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है मीन्स एमसीएच ज़्यादा होगा। यह कंडीशंस नॉर्मली एमसीवी, एमसीएच एंड नेक्स्ट वन इज एमसीएचसी। यह कंडीशन कोविड के ड्यूरिंग बहुत ही अल्टर रहती है, नॉर्मली अल्टर रहती है, क्योंकि हम रेगुलरली मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है एज कंपेयर्ड नॉर्मल, और हीमोग्लोबिन CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसे कंपनसेट करने के लिए हमारे आरबीसी काउंट बढ़े रहते हैं। नॉर्मली आजकल के जो सीबीसी काउंट होते हैं, उस हर सीबीसी के अंदर आरबीसी की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है, उसके पीछे का एक लॉजिक यह भी मान सकते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उनका एचबी ज़्यादा होता है, आरबीसी ज़्यादा होती है, सेम की सेम, और एमसीएचसी की वैल्यू भी थोड़ी अल्टर होती है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी कोविड इस ड्यूरिंग में भी मान सकते हैं। अब है एमसीएचसी। एमसीएचसी का मतलब होता है मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन कितनी है, अब तक हम मात्रा और वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब ये कंसेंट्रेशन है, जैसे कि नॉर्मल होता है 33.4 to 35.5 ग्राम पर डे हीमोग्लोबिन होता है। लो कैसे कंडीशन में होगा, वेन एमसीवी लो होगा, उनका वॉल्यूम कम होगा, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कम होगा, तो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन भी कम होगा, एंड डिक्रीज एमसीएचसी वैल्यू हाइपोक्रोमिया। यस, जैसे कि बहुत से स्टार्टिंग शुरू में हमने बात की थी हाइपोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, अगर ब्लड सेल के अंदर अपन नॉर्मली सिंपल भाषा में आजकल बात करते हैं, जिसका खून जितना काला होता है उसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू ज़्यादा होती है,
और जिसमें कम काला होता है, डार्क कम होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होती है। सेम यही कंडी यही बात यहाँ पे, अगर आप हाइपोक्रोमिक मीन्स उसका कलर थोड़ा लाइट है, डार्क नहीं है, मीन्स उसमें एचबी की वैल्यू कम है, जो हम इसमें बात कर रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, ऐसी कंडीशन में यह क्रिएट होगा। देन नेक्स्ट आता है हाई वैल्यू। हाई वैल्यू ऑफ एमसीएचसी कब होगा? हाइपरक्रोमिया। हाइपरक्रोमिया अगर डार्क ब्लड है, डार्क रेड ब्लड है, तो इस मीन्स उसमें हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से वो डार्क रेड है। ऐसी कंडीशन भी क्रिएट होती है जिसके अंदर ऑलरेडी हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया ऐसी कंडीशन में रहता है। बर्न पेशेंट में होगा, एंड हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस होगा, और रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर। देन बात करेंगे आरबीसी डिस्ट्रीब्यूटेड विड्थ, यह बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम, और बहुत सारे जो सीबीसी कराते हैं उसमें बहुत कम जगह यह दिया जाता है, वैल्यू आती भी नहीं, लो वैल्यू होती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 11.5 to 14.5% में दिखाई देती है। लो वैल्यू इंडिकेट करता है कि आरबीसी आपका यूनिफॉर्म साइज में है, एंड हाई वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि इंडिकेट मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आरबीसी। जो आरबीसी है जितने इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, आरडीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ यानी कितना फैला हुआ। अगर आपका फिक्स नॉर्मल है, इतने गैप में है, तो इस मीन्स इतने गैप में यानी लगभग सब सेम सेम। अगर ये बहुत ज़्यादा वाइड है, सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू भी विड्थ बढ़ जाएगी। इंडिकेट मिक्स पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आरबीसी, जैसे बताया यंग आरबीसी टेंड टू बी लार्जर। फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशियंसी एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, देर इज हाई वेरिएशन एनी से साइटोसिस इन आरबीसी साइज अलोंग विद वेरिएशन इन सेफ पियोक्यूलोसाइटोसिस इज अ रेयर। इन कंडीशन में आरडीडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू अगर परसेंटेज में है तो 0.5 to 1.5%, एंड अगर बाकी है तो 12 to 25 to 123 10 to 3 माइक्रोलीटर होते हैं। लो वैल्यू कब होगी? लो वैल्यू की बात करें अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल सच एज बोन मैरो डिसऑर्डर एंड डैमेज एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ऐसी कंडीशन में रेटिकुलोसाइट जो ब्लड सेल होती है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, एंड हाई हो गए जो हिमोलाइसिस है, एंड आयरन सप्लीमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऐसी कंडीशन में रेटिकुलोसाइट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यह क्या है? यह एक आरबीसी की स्टार्टिंग फेज के, जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमन सप्लीमेंट के लिए दे रहे हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और नई नई आरबीसी बन रही है, तो ऑलरेडी रेटिकुलोसाइट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपका बोन मैरो डैमेज है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसी कंडीशन में होगी, तो जो नई आरबीसी होगी वो बन नहीं रही होगी, तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी, जिसे लो वॉल्यूम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम प्लेटलेट काउंट और वेरियस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट। प्लीज़ आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पटेल नर्सिंग अकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।